हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यस क्लासेस। माई सेल्फ राज गौरव सिंह। आप लोग तो हमको जानते ही हैं। चलिए, ये जो हमारा वीडियो का है, ये पार्ट नंबर 5 है, यानी भाग 5। हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वह आंत था और अमाशय था। ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या, कल उस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में एक हमने नाम लिया था जिसे बोले थे कृमिरूप परिशेषिका। हमने कहा था कि इसका एक इतिहास है, इस इतिहास के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस पार्ट में हम बस केवल इतना जानेंगे कि जो कृमिरूप परिशेषिका होता है ये क्या होता है और यह हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में क्यों हो गया है। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि अवशेषी अंग हुआ तो इसका कुछ रीज़न रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और फिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में, यानी जो अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, यहाँ पे कितने कितने संकोचक होते हैं, कितने कपाट होते हैं और कितने स्फिंक्टर होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना जानेंगे, फिर अगला वीडियो जो बनेगा उसमें हम लोग बात करेंगे पाचक ग्रंथि, ठीक है, पाचक ग्रंथि के बाद बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कृमि रूप परिशेषिका क्या होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कहाँ होता है? तो देखो, सब लोग जानते हो कि यह जो आहार नाल का एक तंत्र बना है, आहार नाल, इस आहार नाल में स्टमक हो गया। स्टमक के नीचे क्या है? तुम्हारा आँत है, जिसे हम लोग क्या बोले, छोटी आँत। ध्यान से देखना, जो छोटी आँत है, छोटी आँत क्या है कि छोटी आँत तुम्हारा खुल रहा है, यहाँ पे देखो छोटी आँत खत्म हो रहा है, तो छोटी आँत एक आगे चल के थैली में खुलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीकम। यह जो सीकम होता है, यह सीकम बड़ी आँत का भाग होता है। किसका भाग होता है? बड़ी आँत का भाग होता है। तो बड़ी आँत में क्या जो खुलता है, तुम्हारा शेषांत, छोटी आँत का जो तृतीय भाग होता है, जहाँ पे खुलता है वहाँ पे अंगुली के समान एक संरचना होती है, लगभग 9 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 9 सेंटीमीटर एक अंगुली के समान एक सदृश संरचना होती है, जिसे हम लोग कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। यह कृमि रूप परिशेषिका हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में है। क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो पहले के आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव पहले के समय में घास भूसा खाते थे। तो घास भूसा खाने से तात्पर्य ये है कि जो घास भूसा था, क्या था? जो घास भूसा था, यह घास भूसा का जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति, क्या होता है? कोशिका भित्ति, वह किससे बना था? तो वह बना है तुम्हारा सेलुलोज से। किससे बना है? सेलुलोज। सेलुलोज एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो यह सेलुलोज से कोशिका भित्ति बना होता है पादप का। अब यह जो घास भूसा हम लोग खाते हैं, खाते थे, जो आदिमानव खाते थे, वह आदिमानव क्या करते थे कि जब घास भूसा खाते थे तो उनका जो कोशिका भित्ति था, जो कि सेलुलोज से बना था, तो उसको पचाने के लिए इस कृमि रूप परिशेषिका में एक एंजाइम था जिसका नाम था सेलुलेज। क्या नाम था? उसका नाम था सेलुलेज। क्या नाम था? सेलुलेज नामक एंजाइम था। यह सेलुलेज नामक एंजाइम उसको पचा देता था। तो जो पहले के आदि मानव, जो यानी जो पहले के जो मानव थे, वह मानव क्या खाते थे? घास भूसा। तो उनका अंदर जो सेलुलोज जाता था, वह सेलुलोज का पाचन सेलुलेज नामक एंजाइम कर देता था, जिसे पहले के आदमी भी क्या करते थे? जीवित रहा करते थे। लेकिन अगर आधुनिक मानव की बात करें, आधुनिक का मतलब जो वर्तमान का मानव है, इसमें यह कृमि रूप परिशेषिका अब एक अवशेषी अंग हो चुका है। क्या हो चुका है? अवशेषी अंग। क्या हो गया है? अवशेषी अंग के रूप में ही मात्र बचा है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। यह जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसे हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। तो अवशेषी अंग के रूप में अब रह गया, यानी हमारे शरीर में जो आधुनिक मानव है, अब इसमें सेलुलेज नामक एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह कृमि रूप परिशेषिका क्या कहता है कि जब हमारे अंदर से निकलने वाला एंजाइम का तो है जरूरत ना हो, तो हम काहे लिए जागे और काहे बदे सेलुलेज एंजाइम बनाए। तो वो भी क्या करता है? वो भी आराम करने लगता है और धीरे 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 वह सिकुड़ के लगभग 9 सेंटीमीटर का हो चुका है।
मतलब अंगुली के समान 9 सेंटीमीटर इतना आकृति का रह चुका है। तो यह तुम्हारा अवशेषी अंग हो गया। अब बात करते हैं कि अवशेषी अंग क्या होता है। तो अवशेषी अंग वह अंग जिसका कार्य धीरे 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 समाप्त हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। यानी यह अंग अब हमारे शरीर से विलुप्त होने के कगार पे, लेकिन अभी विलुप्त नहीं है। हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में, जैसे हमारा पूंछ रहा था, टेल, तो टेल हमारा अवशेषी अंग के रूप में था, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब उसका पूंछ का केवल जीन बचा है। कि जीन वह क्या होता है कि जब कोई बच्चा होता है तो कभी कभी आप लोग पेपर न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि किसी बच्चे को पूंछ निकला है, तो वह जीन के कारण होता है। तो अवशेषी जीन के कारण से है। अवशेषी अंग का मतलब जो फिलहाल है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। तो बात समझ में आई। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का इतिहास क्या था कि जो आदिमानव थे उनको घास भूसा खाते थे, तो उनको पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम की आवश्यकता थी। यह सेलुलेज एंजाइम स्क्रीन रूप परिशेषिका से निकलता था और वह घास भूसा के अंदर उपस्थित सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ को पचा देता था, जिससे वह जीवित रहा करते थे। किंतु परंतु लेकिन यह जब आधुनिक मानव की बात करें तो आधुनिक मानव में यह जो कृमि रूप परिशेषिका होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ से मल तुम्हारा इसमें से होके इसमें आ जाता है, तो यह जो कृमि रूप परिशेषिका है यह आकृति में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, जिससे यहाँ हमारा जो पेट होता है, क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, पेट के नीचे यानी अमाशय पे, यहाँ पे हमें हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तो जब दर्द फीलिंग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि इनकरे अपेंडिक्स हो गल हो। तो अपेंडिक्स हो गया है तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। यानी डॉक्टर क्या करता है कि ऑपरेशन करके इस भाग को काट के अलग कर देता है, जिससे इसका कोई कार्य तो है नहीं, तो हमारे शरीर से अगर बाहर भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यह जो अपेंडिक्स था इसके एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम पार्कर। क्या नाम था? विलियम पार्कर। इन्होंने 2007 में पहली बार इस अपेंडिक्स रोग का पता लगाया था। ठीक है, इस रोग के बारे में पता लगाया था, अपेंडिसाइटिस का। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृमि रूप परिशेषिका को सबसे पहले देखा, उस वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। या डार्विन ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था। किसके बारे में? कृमि रूप परिशेषिका के बारे में पता लगाया था। ठीक है, तो यह तुम्हारा कृमि रूप परिशेषिका का इतिहास था। अब हम लोग बात करते हैं कपाट की, कि कपाट हमारे अमाशय में, हमारे छोटी आंत में कितने कितने कपाट होते हैं, उस कपाट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हाँ, तो बच्चों देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि अब कृमि रूप परिशेषिका के बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक है कि कभी क्वेश्चन पूछता है नहीं, लेकिन बाय द वे अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे डीपली, तो डीपली हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि हमने लिखा है अगला हेडिंग, कपाट, दरवाज़ा या संकोचक। इसको तीन नाम भी अगर बोलेंगे तो तीन नाम से कोई दिक्कत नहीं है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे आहार नाल में तीन जगह ऐसी है। क्या है? हमारे आहार नाल में तीन जगह ऐसी है जहाँ पे दरवाज़ाएँ पाई जाती हैं। तो उन तीन दरवाज़ाओं का हमें नाम जानना है, लोकेशन जानना है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अमाशय से। कहाँ से बात करेंगे? अमाशय। तो अमाशय दिख रहा है, तो अमाशय में जब ग्रास नली खुलती है, तो ग्रास नली खुलती है तो यहाँ पे जो भोजन के कण होते हैं वह भोजन के कण धीरे धीरे अमाशय के अंदर आए। तो वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक संकोचक या कार्डियक कपाट। यानी पहला जो दरवाज़ा है अमाशय में, वो पहले दरवाज़ा का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। बात क्लियर है? अब अगर दूसरे दरवाज़ा की बात करें तो अमाशय में जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद कहाँ जाएगा वह भोजन? तुम्हारा छोटी आँत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आँत में जाएगा। तो जब छोटी आँत में जाएगा तो
पूरा भोजन अगर ये दरवाजा यहाँ पे नहीं होगा तो भोजन डायरेक्ट पचेगा नहीं पचेगा इसमें टिका और डायरेक्ट गिर जाएगा छोटिया। तो यहाँ पे दरवाजा रहता है जिससे कि भोजन यहाँ पे संग्रहित कम से कम 4 से 5 घंटा रहता है। कि जो भी भोजन होता है भोजन को पचने के लिए 4 से 5 घंटा की आवश्यकता होती है। तो 4-5 घंटा भोजन अगर इसमें टिकना चाहिए तो यहाँ पे दरवाजा होगा, तो जब दरवाजा होगा तो भोजन नहीं जाता है। अब जब 4-5 घंटा बीत जाता है तो भोजन सड़क के दरवाजा से खोल के भोजन वापस सॉरी भोजन क्या होता है आगे जाता है छोटी आँख में। बात क्लियर है। एक चीज नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि यह जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यह पाइलोरिक स्फिंक्टर केवल वन डायरेक्शन में खुलता है, बस नीचे की ओर खुलेगा फिर ऊपर नहीं खुलता है। यानी छोटी आँख से भोजन वापस आमाशय में नहीं जा सकता है। लेकिन एक नोट पॉइंट दूसरा नोट पॉइंट ये है कि यह जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है यह ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी खुल सकता है। जब बात करें कि जब भोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये दरवाज़ा अगर नीचे नहीं खुल पाता और नीचे ये जो तुम्हारा छोटी आँख होता है छोटी आँख में भोजन भरा है, तो मान लो यहाँ पे भी भोजन भरा है यहाँ पे भी भोजन भरा है, तो ये दरवाज़ा क्या होता है कि जब पेट में थोड़ा सा भी अगर प्रेशर जनरेट होता है तो प्रेशर लगने से क्या हो जाता है कि यह दरवाज़ा वापस खुल जाता है, जिससे कि पूरा भोजन मुख से थोड़ा बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओमिटिंग यानी उल्टी आना। तो ये उल्टी कब होता है जब ज़्यादा भोजन हम लोग कर लेते हैं तब, ठीक है। तो ज़्यादा भोजन करने से ओमिटिंग की क्रिया होती है। तो इन दो दरवाज़ों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि जब आप जानते हो कि आमाशय में भोजन का पाचन होता है, अगर बात करें कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है तो भोजन का पाचन मुखगुहा से प्रारंभ होकर आमाशय में जाके छोटी आँत में जाके पूर्ण होती है। तो अब जब भोजन पूर्ण हो रही है तो आमाशय में हम बात कर रहे थे कि आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्राव करती है और भोजन का पाचन कर देती है। अभी हम लोग पाचक ग्रंथि के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि जो तुम्हारा अग्नाशय जो तुम्हारा छोटी आँत होता है छोटी आँत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, लेकिन छोटी आँत यानी पूरे आँत में किसी भी प्रकार का पाचक ग्रंथि नहीं पाया जाता है, किंतु छोटी आँत में भोजन का पाचन हो जाता है। तो भोजन का पाचन कैसे होता है तो वहाँ पे छोटी आँत में दो रसें आती हैं। एक जो रस होता है उसे बोलते हैं अग्नाशयी रस और जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पित्त रस। तो अग्नाशय रस अग्नाशय से, पित्त रस पित्ताशय से। लेकिन जो अग्नाशयी रस होता है उसको अग्नाशय ही बनाता है, लेकिन जो पित्त रस होता है वह पित्ताशय में संरक्षित होता है यानी स्टोर होता है इकट्ठा होता है। लेकिन जो पित्त रस का निर्माण होता है वह पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। तो यह यकृत है, यकृत एक थैलीनुमा संरचना जिसे पित्ताशय बोले, इस पित्ताशय में पित्त रस को संरक्षित करके रखा। यह पत्तीनुमा संरचना थी जिसे हम लोग बोले अग्नाशय। यह अग्नाशय अग्नाशयी रस और यह पित्ताशय पित्तरस को निकाल के भेजता है। तो यहाँ से तुम्हारा अग्नाशयी रस आ रहा है और यहाँ से तुम्हारा अग्नाशयी रस, यहाँ से पित्तरस, यहाँ से, तो यहाँ पे देखो एक दरवाज़ा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दरवाज़ा। यह दरवाज़ा कहाँ पाया जा रहा है? तो यह दरवाज़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर के नीचे पित्तवाहिनी, यह जो तुम्हारा नली है इसे बोलेंगे पित्तवाहिनी। क्या बोलेंगे? पित्तवाहिनी। और यह जो तुम्हारा नली आ रही है इस नली को बोलेंगे अग्नाशयी नली। क्या बोलेंगे? अग्नाशयी नली। तो जब अग्नाशयी नली से क्या रहा है? अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस, क्या रहा है? अग्नाशयी रस। और पित्ताशय पित्तवाहिनी से क्या रहा है? पित्त रस आ रहा है। तो दोनों रसें आके यहाँ पे रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि जब जब भोजन का पाचन करना होगा तब तब ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अगर छोटी आँत में भोजन आ गया है तो यह दरवाज़ा खुल जाएंगे तो यहाँ पे भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो यह जो दरवाज़ा होता है इस दरवाज़ा को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी। ये बात क्लियर है। ये स्फिंक्टर ऑफ ओड्डी कहाँ होता है? पित्तवाहिनी यानी पित्ताशय का जो पित्तवाहिनी होता है वहाँ से क्या आता है? पित्त रस आता है।
अग्नाशय से अग्नाशय रस किसके, अग्नाशयी नली के द्वारा अग्नाशयी रस आता है। दोनों रस आपस में आके क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो एक जगह आके दरवाजा के पास रुक जाते हैं। उस दरवाजा को क्या बोले, स्फिंक्टर ऑफ हुड्डी। जब जब भोजन को पचाना होगा तब तब वो दरवाजा खुलेंगे और अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों निकल के छोटी आंत में आते हैं और भोजन का पूरा पाचन कर देते हैं। बात समझ में आए, तो हमेशा वो दरवाजा खुला नहीं रहता है, जब जब भोजन को पचाना रहता है तभी तभी वह भोजन के लिए पचाने के लिए वो दरवाजा खुलता है। बात क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि तीसरा बात ये करते हैं कि यह मान लो तुम्हारा छोटी आंत, मान लो नहीं मानो या देखो, यह छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत के तीन भाग बोले थे, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। जब शेषांत, यह जो तुम्हारा बड़ी आंत है, बड़ी आंत का प्रथम भाग जिसे हम लोग बोले सिकम, यह तुम्हारा छोटी आंत का तृतीय भाग है जिसे बोले शेषांत। क्या बोले, शेषांत। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ईडियम और इसे हिंदी में बोलते हैं उंडुक। क्या बोलते हैं, उंडुक बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, सही, इसे क्या बोलते हैं, उंडुक बोलते हैं। तो जब शेषांत छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत के प्रथम भाग उंडुक में खुलता है तो यहाँ पे भी एक दरवाजा होता है। क्या होता है, यहाँ पे भी एक दरवाजा होता है। इस दरवाजा का नाम है इलियो सिकल वाल्व। क्या नाम है, इलियो सिकल वाल्व, यानी हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र उंडकीय कपाट, शेषांत्र उंडकीय कपाट बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हुई, हमने कितने दरवाजा के नाम पढ़ा, तो हमने पढ़ा स्फिंक्टर ऑफ हुड्डी कहाँ होता है, तो स्फिंक्टर ऑफ हुड्डी अग्नाशयी नली से अग्नाशय रस, पित्तवाहिनी से पित्तरस, जब दोनों आपस में जब एक दरवाजे के पास आते हैं जो कि कहाँ खुलता है, छोटी आंत में खुलता है, जहाँ पे भोजन का पाचन होने रहता है वहाँ पे दरवाजा होता है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ हुड्डी। अमाशय में दो दरवाजा होते हैं, जो ग्रास नली जब अमाशय में खुलता है तो वहाँ जो दरवाजा होता है उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जब तुम्हारा अमाशय छोटी आंत में खुलता है तो वहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी अमाशय में दो दरवाजा, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। और फिर बात करते हैं कि जब शेषांत छोटी आंत का तृतीय भाग जब बड़ी आंत के प्रथम भाग में खुलता है तो वहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, यानी शेषांत्र उंडकी कपाट। तो फाइनली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फाइनली पढ़ा कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होते हैं, यह क्यों अवशेषी अंग के रूप में रह गए, इसका क्या इतिहास था, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो तुम्हारे कपाट होते हैं जिसे हम दरवाजा कहते हैं, जिसे हम संकोचक कहते हैं, अंग्रेजी में से स्फिंक्टर बोलते हैं, ये कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हमने जाना। इस वीडियो में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम ऐप पे RGS क्लासेस करके है उसमें आप हमसे ज्वाइन होके पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF हम दे देंगे, जो भी आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं इसका हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ, इसका नोट्स वही नोट्स होगा, इसका स्क्रीनशॉट का फोटो ही होगा। तो आपसे होप है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कुछ हो अब इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, हमारे चीज़ों को समझे, जो हम बात बोलते हैं उस चीज़ों को समझे, और एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं उसको नोट्स कर लें, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर इसके पहले की वीडियो अगर स्टमक और छोटी आंत अगर नहीं पड़े हैं तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हम दे देंगे, या तो फिर जहाँ पे वीडियो आप देखते हैं तो वहाँ पे एक लाइक का बटन होता है, तो लाइक के ऊपर एक छोटा सा फ़ोटो दिखाई देगा, उस फोटो पे आप छुएंगे, क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोफाइल खुल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे क्लास 10th UP बोर्ड का चैप्टर या प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में आप पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं या पार्ट नंबर 4, जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि।